हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, मैं मुखर्जी नगर में आया हुआ था और मैंने देखा कि भाई जे जे थड़ी का आउटलेट खुल चुका है, जो कि एक पहले फुटपाथ पर एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी और अब इन्होंने आउटलेट खोल लिया जे जे थड़ी के नाम से। काफी बड़ा आउटलेट आप सामने देख सकते हैं भाई, और यहाँ पर चलेंगे, बात करेंगे इनसे, जानेंगे कि भाई आउटलेट खोलने में कितनी दिक्कत आई और मात्र एक साल के अंदर इन्होंने अपना आउटलेट खड़ा कर लिया, साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो बात करते हैं इनसे, जानते हैं और अपने व्यूअर्स को बताते हैं। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो मैम? बढ़िया, आप बताओ। मैम बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कि मतलब आप एक रोड से, फुटपाथ से, यही कहना चाहूँगा मैं तो, और मतलब बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में आपने कन्वर्ट किया है। तो मैम कैसे किया ये? और मतलब हम पहले भी आपका जो कवर कर चुके हैं, दो बार कवर कर चुके हैं, और चाय तो आपकी बहुत ही बेस्ट होती है, तो हमने सोचा कि भाई जब एक आउटलेट कर लिया है मैम ने, तो वो भी कवर किया जाए और लोगों को इंस्पिरेशन दी जाए कि एक छोटे सेटअप से भी एक बड़े सेटअप तक जा सकता है इंसान। तो मैम बताइए थोड़ा कैसे कैसे, तो मतलब आप लोगों को जर्नी तो पता ही है कैसे वहाँ से शुरू किया, और फिर बस ये है कि लगातार पेशेंस और मेहनत से, हार्ड वर्क से थोड़ा सा, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता था ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलाकर यहाँ पर पहुँच गए। तो मैम यहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स अच्छा है यहाँ पर। अच्छा है। तो मैम वहाँ पर अभी है या वहाँ से वो कर दिया है? अभी वहाँ पर कुछ दिनों के लिए ऑफ है, ऑफ कर रखा है। हाँ जी, मतलब हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी ओपन रखें, क्योंकि जो चीज जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ रहनी चाहिए वो। बिल्कुल, मैं इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि मतलब वहाँ पे भी हम ओपन रख सके, बट आप गर्मी इतनी ज्यादा है वो कह लीजिए, या फिर लैक ऑफ थोड़ा सा स्टाफ की कमी है अभी, जैसे अभी स्टार्टिंग है ये, तो इस वजह से वहाँ पे मैं ओपन नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि अभी सर्दियाँ जैसे आएंगी तो मैं वहाँ पर भी ओपन करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैम जब फर्स्ट टाइम आपके वहाँ आए थे तो आपके पास ओनली चाय होती थी, शायद रस होते थे, हाँ, रस तो टोस्ट होते थे, टोस्ट। हाँ। तो अब आपने मेन्यू बहुत ज्यादा अपना वाइड कर दिया है, बहुत इंक्रीज कर दिया, तो मतलब कैसे सोचा है कि मतलब इतनी ज्यादा मेन्यू कर दें और इतना सारा, मतलब आप अकेले ही उसको संभाल रहे हैं या फिर आपकी पूरी टीम वर्क कर रही है? नहीं, अभी तो पूरी टीम वर्क कर रही है। वहाँ तो आपने अकेले स्टार्ट किया था? हाँ जी, वहाँ पे भी मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलकर शुरू किया, दो लोगों ने स्टार्ट किया था, और यहाँ पर मेन्यू भी बड़ा हो गया, तो फिर यहाँ पर पूरा आपका टीम है? हाँ जी, टीम है प्रॉपर, और मेन्यू भी बड़ा कर लिया। मेन्यू तो ये है कि हम लोग वहाँ पे भी चाहते थे कि वैरायटी लेकर आए, और लेकर भी आए थे, बनमस का वगैरह हमने वहीं से शुरू कर दिया, बट बहुत सारी वैरायटी भी वहाँ पे लाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि स्पेस नहीं था इतना, और फिर मैनेज करना भी मुश्किल था वहाँ पे, मुश्किल हो जाता। तो मैम एक चीज ये बताइए कि वहाँ पर जो आपका था वो कितने टाइम रहा वहाँ? लगभग कहे तो 8 या 9 महीने। 8-9 महीने में आपने मतलब एक अपना आउटलेट स्टार्ट कर लिया है, और ये कहे तो सबका ही प्यार है, ऊपर वाले का भी, आपकी मेहनत भी है, सपोर्ट है, प्यार है। बिल्कुल, ये कांग्रेचुलेशन के लिए आपको हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से, और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं मुखर्जी नगर में, उनको यही कहेंगे कि भाई वहाँ पर चाय पीते थे आप, यहाँ पर आइए, आप आराम से बैठ के पीजिए। और मैम रेट में कुछ इंक्रीज हुआ है या वही है? नहीं, जैसे चाय है तो वहाँ पे भी 12-15 थी ना, अभी भी 12-15। अच्छा, अभी भी 12-15 ही है चाय, सेम चाय। और एक बार मेन्यू बताएंगे क्या क्या इंक्रीज किया आपने? मेन्यू तो प्रॉपर अभी मैं बताने बैठूंगी तो एक। अच्छा, नहीं आप हेडिंग बता दीजिए क्या क्या रखा हुआ है। देखो प्रॉपर पूरा मेन्यू है, बुकलेट टाइप है, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर आपको स्नैक्स में, एपेटाइजर्स में, बेवरेजेस में चाय, कॉफी और मोहितो वगैरह, ठंडे में जैसे आइस टी, शेक्स, ये सब मिल जाएगा। और एपेटाइजर्स पे जाए तो मैगी, बनमस्का, पास्ता, सैंडविचेस, चाइनीज वगैरह सब है, चाइनीज भी है पूरा, पिज्जा, बर्गर्स, पूरी वैरायटी है मतलब, और स्पेशल में भी है हमारे पास, कुल्लड मैगी हो गया, कुल्लड पास्ता हो गया, कुल्लड पिज्जा हो गया, तो खूब सारी चीजें, काफी सारी आइटम्स है आपके पास, मतलब आप आओगे तो कुछ खाकर ही जाओगे, खा ही जाएंगे। मतलब पहले ये सोचते थे यार बस टोस्ट रहता है इनके पास, तो फिर भी चाय तो पीने आते ही थे आपके पास, कई बार आते थे, तो बस यही अपने रिक्वेस्ट करेंगे अपने व्यूअर्स से कि भाई सपोर्ट करते रहे आपको, आपने इतना अच्छा मतलब वो किया है कि मतलब इंस्पिरेशन भी हो आप लोगों के लिए। तो मैम चाय तो हम पियेंगे, साथ में आप बनमस का लगाइए, क्योंकि बनमस का फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे आपका। तो मैम ये जो आपका आउटलेट है यहाँ कैसे पहुँचे, इसकी टाइमिंग और लोकेशन एक बार समझा दीजिए। एग्जैक्टली, लोकेशन को लेके बहुत से लोगों में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि क्या होता है ना, गूगल पे आप लोकेशन डालोगे तो सबसे पहले वो वाली लोकेशन दिखाता है, फिर बाद में ये दिखाता है, तो उसमें ना दो पेज बना रखे हमने, एक तो जे जे स्थड़ी और एक जे जे स्थड़ी आउटलेट। अच्छा, आप आउटलेट वाला क्लिक करोगे ना तब ये वाली लोकेशन दिखाएगा, फिर आप एग्जैक्टली उसको फॉलो करके आएंगे तो फिर यहीं पहुँचेंगे। फिर भी मैं बता दूँ आपको, ये नेहरू विहार वाला रोड है मुखर्जी नगर पे, इस रोड पे आप थोड़ा सा आगे आओगे तो बस आपको दिख जाएगा, ये बेम्बू का काम हो रखा है, जे जे स्थड़ी लिखा हुआ है, तो दूर से बिल्कुल कॉर्नर पे ही है आपका ना, कॉर्नर पे है, यूको बैंक के बगल में है। और टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग सुबह 10:30 बजे से रात में 12 बजे तक, रात में 12 बजे तक, और 7 डेज ओपन है, नो हॉलीडे, ठीक है मैम।
तो दोस्तों हम मुखर्जी नगर में इस वक्त आए हुए हैं और हम आए हैं JJ3 पर। इनकी पहले भी हमने वीडियो क्रिएट की थी जब एक छोटा सा स्टॉल होता था फुटपाथ पर, और अब देख सकते हैं आप कितना बढ़िया इन्होंने आउटलेट खोल लिया है। मात्र 7 से 8 महीने में इन्होंने अपना एक पूरा आउटलेट खोला है, और ये एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि भाई कैसे स्टार्ट करूँ मैं, क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। तो मैम बहुत अच्छी मिसाल है उन लोगों के लिए और इंस्पिरेशन भी है। तो टेस्ट तो हमने इनका कर रखा है, फिर भी हमने खाने के लिए इनका बनवसका लगवाया है, और आइटम्स इनकी मेन्यू में बहुत सारी आइटम्स इन्होंने इंक्रीज़ कर ली है। चाय इनकी बहुत अच्छी होती है, टेस्टी होती है चाय, बहुत मज़ा आता है चाय पीने में। और बनवसका टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। काफ़ी सॉफ्ट बना रखा है बनवसका, मज़ा आ रहा है खा के, और चाय भी लेता हूँ एक बार। चाय तो लाजवाब होती है इनकी। जितने भी लोग मुखर्जी नगर में, जिनको नहीं पता कि JJ3 ने एक आउटलेट खोल लिया है, तो गूगल पे सर्च करिए JJ3 आउटलेट, तो आप आउटलेट पे आ जाएंगे। और जो इनका दूसरा वाला कार्ट है वो भी रन में नहीं है, थोड़े टाइम बाद वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। दोनों जगह रेट सेम है, आप कहीं भी आ सकते हैं और चाय पी सकते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें, आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ वहाँ पर मिलेगी रिलेटेड टू फूड्स। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।